भारतीय खेलों के इतिहास में 25 जून 1983 एक ऐसा दिन है जो कभी ना भूलने वाला दिन है। जी हाँ, 36 साल पहले आज ही के दिन टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। कपिल देव की अगुवाई वाले भारतीय क्रिकेट टीम ने 25 जून 1983 को पहली बार विश्व कप जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जी हाँ, देश भर में लगातार दो बार विश्व कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज को हराया था। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में उम्मीदों के विपरीत चौंकाने वाला प्रदर्शन कर टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। दरअसल टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 183 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वेस्ट इंडीज टीम को महज 140 रन पर ढेर कर दिया। जी हाँ, भारत की 43 रनों से जीत हुई थी। टीम इंडिया का पिछले दिनों विश्व कप में खराब प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस जीत से क्रिकेट जगत में तहलका मच गया था। सफेद कपड़ों में खेले गए 1983 विश्व कप के मैच 60 ओवर्स के थे। बाद में क्रिकेट का स्वरूप बदला और इस तरह भारत एकमात्र ऐसी टीम बन गई जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और T20 विश्व कप जीता है। 2007 में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीतकर यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मैच के सर्वश्रेष्ठ स्कोर कृष्णामाचारी श्रीकांत थे, जिन्होंने 38 रनों की अहम पारी खेली थी। इसने 38 रन की अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का भी जड़ा था। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने आखिरी 7 विकेट महज 93 रनों पर ही गंवा दिए थे, जबकि वेस्ट इंडीज ने आखिरी 9 विकेट 90 रनों पर खोए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।